और व्लॉग। एंड या अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दोबारा बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको मेरी अगली वीडियोस के नोटिफिकेशन आ जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और अपना फेवरेट पार्ट इस कमेंट बॉक्स में बता देना। एंड या आज का हमारा व्लॉग आपको टाइटल से देख के तो पता लग ही गया होगा। सो आज हम करने जा रहे हैं बेसिकली कि सबसे ज़्यादा डिलीशियस फूड किसका है, बर्गर किंग और मैकडी का। एंड लाइक कौन सा सबसे कम प्राइस में अच्छा है। सो लेट्स गो। सो गाइस अब हम जा रहे हैं बर्गर किंग की तरफ। एंड एज यू कैन सी अब हम निकल चुके हैं, हम गाड़ी में बैठे हुए हैं और ये मेरी है बहन जो कि कभी भी सेल्फी लेने से हटती नहीं है। एंड अब हम जा रहे हैं बर्गर किंग की तरफ। अब हम पहुंचने वाले हैं बर्गर किंग। अब हम अवेली हैं अभी, टर्नओवर के बाद आएगा बर्गर किंग। सो स्टे ट्यून्ड, देखते रहो। जैसे कि आप देख सकते हो हम बर्गर किंग पहुंच चुके हैं, ये हवेली के साथ पड़ता है। एंड गाइस अब हम बर्गर किंग पहुंच चुके हैं और ये है उनका गार्डन। सो लाइक बहुत ही सुंदर गार्डन है, बहुत ही लंबा है। बर्गर किंग के अंदर हमारा फोटोशूट हो चुका है खत्म। सो चलो चलते हैं। मील आ चुकी है एंड दिस इज आवर टेस्टी टेस्टी मील, फ्राइज, चीजी फ्राइज एंड लोडेड रैप, आवर बर्गर, आइसक्रीम एंड पेप्सी। अब मेरी सिस्टर ने मंगाई है आइसक्रीम एंड मेरी है पेप्सी, लोडेड रैप है मेरा और बर्गर दीदी को पसंद है इसलिए, और ये फ्राइज तो हम दोनों जने ही खाने वाले हैं। सो और या इस पूरे टोटल में हमारे 230 रुपीज़ खर्च हुए हैं और आगे जाके हम देखेंगे कि हमारे मैकडी में इससे ज़्यादा लगते हैं या इससे कम। और टेस्टी का भी है, ये 5 पॉइंट्स देगी और मैं भी 5 पॉइंट्स दूंगी उसको। सो देखते हैं बर्गर किंग जीतता है या मैकडी। बर्गर को तो मैं दूंगी 5 में से 5 पॉइंट्स क्योंकि ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट बर्गर है। ये ज़्यादा हैवी नहीं है, ये बिल्कुल लाइट वेट टाइप ऑफ बर्गर है, मैं ये कभी भी खा ही सकती हूँ। सो मैं इसे तो 5 में से 5 ही देने वाली हूँ, ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट बर्गर है। सो सिस्टर तुम कौन से इसमें से क्या मार्क्स देना चाहोगी? ये बहुत टेस्टी है बट मैं इसको 4 पॉइंट्स दूँगी, स्ट्रिक्ट जज। हम
अरेंजमेंट को देती हूँ मैं 5 out of 5। सो गाइस बहुत मज़ा आ गया, पेट फुल हो गया। अभी तो मैगटी भी जाना है वैसे, वो मुझे भूल ही गया। हाँ यार वहाँ जाके अब हम मिलते हैं आपको। ओके हम अब आ गए हैं मैकडी, एंड चलो हम आपको अंदर जाके दिखाते हैं सारा मैकडी। मैं पहुंच गई हूँ, अब हम पहुंच चुके हैं मैकडॉनल्ड्स। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है। सो या यहाँ पे ड्राइव थ्रू भी है, और चले से इस पर। आज हम आपको मैकडॉनल्ड्स के ऑनर दिखाने वाले हैं। मेरी सिस्टर से मिले, वो उनको जानते हैं। As you can see, क्लिक क्लिक। गाइस मैंने भी उसकी जान पहचान करवा दी है अनमोल से, मेरी सिस से। सो वो भी इसके साथ सेल्फियां लेने वाली है, तो चलो इसकी सेल्फी ले लेते हैं पहले। सो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है। अब हम आ गए हैं और हम बैठ गए हैं और हमने अपना ऑर्डर कर दिया। बोलना चाहती हो कुछ? वेल फिलहाल तो मैं ऑर्डर का वेट कर रही हूँ, तो क्या बोलूँ? ऑर्डर आएगा तब पता चलेगा क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, तो वेट कर रहे हैं। सो बर्गर किंग के पॉइंट मैंने थे सेटिंग अरेंजमेंट तो काफ़ी अच्छा, जैसे कि आपने देख ही लिया है बर्गर किंग से ही अच्छा ही है वैसे। सो इसे भी 5 points मिल सकते हैं मेरी तरफ से। वेल मुझे तो अच्छा लगा, सो मेरी तरफ से 5 से 4। इस हमारी मील आ चुकी है, ये है स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, चॉकलेट, ये है मैक पफ पिज़्ज़ा पफ, एंड ये है आलू टिक्की बर्गर। वेल गाइस ये यहाँ का स्पेशल वेज पिज़्ज़ा है, ये मिनी पिज़्ज़ा है, यहाँ की स्पेशलिटी है। ये तो मंगाया है वेज पफ, बट इसको बर्गर से इतना पता नहीं क्या प्यार है, ये कभी सुधरेगी नहीं, ये बर्गर ही खाएगी जिंदगी में। वेल गाइस मुझे बर्गर अच्छा लगता है तो मैं बर्गर खाऊंगी। क्यों खाओगी? कैसे खा कैसे लिया तुमने ये बर्गर? है बहुत टेस्टी। सो गाइस इसका बर्गर इतना टेस्टी है, इसमें रियल वेजीज हैं, एंड जो इसकी टिक्की है वो भी काफ़ी टेस्टी है, फ्रेश है ऑब्वियसली। तो इसे मैं दूंगी 5 में से 4, क्योंकि जो बर्गर किंग का बर्गर है वो तो सबसे बेस्ट है ही, पर ये इससे थोड़ा सा लोअर, सो इसे 1 point कम देता है। सो मैं इसको दूंगी 5 out of 5, क्योंकि ये रियली बहुत टेस्टी है और इसमें से पिज़्ज़ा का ही टेस्ट है। ये स्पेशलिटी है यहाँ की, सो ये तो अच्छा होगा ही। इनका रेट है 260, एंड आई थिंक मैं ज़्यादा पॉइंट्स बर्गर किंग को देना पसंद करूँ, क्योंकि इनकी रेटिंग ज़्यादा है। हमने इतना कुछ मंगवाया भी नहीं, फिर भी इनकी रेटिंग ज़्यादा है। सो हमने वहाँ पे बहुत कुछ खाया, बट उनकी रेटिंग कम रही, बट इनकी रेटिंग हाई है। सो इनका फूड ज़्यादा ऑयली है। सो या ये जलंधर से फगवाड़ा रोड पे दोनों है, आपको जो भी पसंद है आप वहाँ पे जा सकते हो, यहाँ पे ड्राइव थ्रू भी है। सो एंजॉय गाइस। अब मैं आइसक्रीम खाने वाली हूँ, मेरी चॉको आइसक्रीम। मेरा तो बर्गर ही नहीं ख़त्म हो रहा, ये बर्गर बन जाएगी बर्गर खा खा के।
आइसक्रीम तो बहुत टेस्टी है बट बर्गर किंग से ज़्यादा नहीं ना या बट इनकी भी बहुत टेस्टी है और उनकी भी बहुत टेस्टी थी। उनकी इसने खाई, मैंने तो सिर्फ बाइट ही ली थी, पर दोनों का कंपैरिजन नहीं है, दोनों सेम ही है। सो ज़्यादा इनमें से पॉइंट की हेयर पेयर करने की ज़रूरत नहीं है, दोनों को सेम पॉइंट्स, 5 में से 5। मैं 4 दे रही हूँ। अब हमारी मील हो गया कंप्लीट और अब हम जा रहे हैं घर को। अभी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है, 7:30 हो गए। आज घर के लंच डिनर यहाँ तक कि सवेर का ब्रेकफास्ट कुछ नहीं होने वाला है। सही बात है, दोपहर की रोटी भी शायद ही खाएंगे अब तो। गाइस अब हम जा रहे हैं अपने घर पर उनसे पहले चलो पर उनसे पहले हम आपको रिजल्ट बता देते हैं कौन जीता। बर्गर की बर्गर किंग जीत ही चुका है। मैकडॉनल्ड्स सॉरी वो गुस्सा कर गया बेचारा मैकडॉनल्ड्स। मत होइए, आपकी स्पेशलिटी है सो आप नाराज मत होइए। आप नाराज मत होइए, हम हैं आपके साथ बट बर्गर किंग आप बुरे नहीं हो। आप हम बर्गर मैकडॉनल्ड आके बर्गर किंग को जिता रहे हैं बट जो चीज़ इनकी बेस्ट है वो इनकी ही बेस्ट है ऑब्वियसली। सो हमें उनके थोड़े रेट ज़्यादा जेन्युइन लगे सो इसीलिए बर्गर किंग विनर है। या बर्गर किंग और मैकडी का, आज हम करने वाले हैं सबवे और बेस किंग्स। फिर 4 को मिला के सबसे बेटर कौन सा है ये डिसाइड करेंगे। सो लेट्स गो। देख सकते हो कितना ट्रैफिक हो गया है, सीरियसली सारे लोग घर से अब बाहर आ चुके हैं, सभी थक गए हैं अब लॉकडाउन से, क्यों है ना। सही बोला। ये है हमारा गुरु नानक मिशन चौक जलंधर का एंड ये भी बहुत ही अच्छा है। सो अभी हम जा रहे हैं सबवे की तरफ जो कि फुगवाड़ा रोड पे है। सो लेट्स गो। सो गाइस ये तो हमारे जलंधर का सबसे बड़ा मैकडॉनल्ड्स है और इस रोड पे बहुत सारे बड़े बड़े होटल्स एंड मॉल्स जैसे कि MBD मॉल सारे हैं या इसी रोड पे है। देख ही सकते हो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है आजकल, सभी अब घर बैठे बैठे तो बोर ही हो चुके हैं, सारे आजकल निकले पड़े हैं और अभी बारिश जस्ट ख़त्म होके ही हटी है। ये है जलंधर फगवाड़ा रोड एंड बहुत ही अच्छी रोड है, कुछ ऐसे है नहीं कि टूटी है एंड यहाँ पे सारे ही बड़े बड़े होटल्स हैं इसी रोड पर। अगर आप जलंधर विजिट करते हैं तो आप यहाँ पे किसी भी होटल में रह सकते हैं, जलंधर में बहुत ही सारे होटल्स हैं। गाइस इस पूरी रोड पे ऐसे फ्लावर्स लगे हुए हैं एंड वेदर भी बहुत ही अच्छा हो रहा है, पूरी बाहर ठंड है एंड जैसे कि मैंने अभी बताया कि बारिश होके हटी है
ये वैसे दिल्ली चंडीगढ़ एंड लुधियाना रोड है, मतलब फुगवाड़ा रोड ही है, यहाँ से जा सकते हो, देख सकते हो आप। देख सकते हो कितनी ब्यूटीफुल रोड है, यहाँ पे कितने सुंदर से छोटे छोटे ट्रीज लगे हुए हैं, एंड ये पूरी कॉलोनीज है इस साइड भी। गाइज आप देख सकते हो ये वॉल्स पे कितने सुंदर सुंदर डिजाइन बने हुए हैं, एंड ये देख सकते हो पूरी बहुत ब्यूटीफुल रोड है ये। गाइज ये है जलंधर का सबसे फेमस चौक, BSF चौक, एंड देख सकते हो कितने ब्यूटीफुल से 3 ट्राई कलर्स के ये बनाए हुए हैं, एंड सीरियसली बहुत ही अच्छा है। पूरे ही रोड पे लाइक जलंधर में बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, बहुत ज़्यादा ट्रीज है, जैसे कि आप देख सकते हो हर रोड के ऊपर आपको ट्री मिलेंगे। ग्रीन सिटी है रामा मंडी चौक जलंधर का, और ये है वज्रद्वार, ये मतलब पूरे कैंट सिटी है, ये सिर्फ लाइक सोल्जर्स के लिए है ये सिटी पूरी, एंड ये हमारा ये रहा सबवे और ब्रिस्टा, हम यहीं पर आने वाले हैं टर्नओवर के बाद। सो गाइस बहुत ही ब्यूटीफुल मौसम है आज, सन भी है, एंड ये हम पहुंच चुके हैं सबवे के थोड़े करीब। सो देखो इस रोड के ऊपर भी बहुत ट्रैफिक है, यह फोर्ड कंपनी, अरे साइड हो जा। और ये हम पहुंच गए, समझो पहुंच ही गए हैं। तो गाइस ये हम पहुंच गए हैं सबवे ब्रिस्टा, सबवे जैसे कि आप देख सकते हो। गाइस हम पहुंच गए सबवे, यहाँ पे सबवे भी है, शिकागो पिज्जा भी है, एंड देख सकते हो यहाँ रोड पे ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है, शायद मेरी आवाज़ सुन रही हो आपको। सो लेट्स गो, और ये मेरी बहन पहुँच चुके हैं। पहुंच चुके हैं सबवे, एंड लेट्स कुछ ऑर्डर करना है। क्या ऑर्डर दे दिया है, हमने कॉम्बो पैक मंगवा लिए, सो उसी का भी वेट चल रहा है। अभी हम बैठे हुए हैं, बोर हो रहे हैं यहाँ पे बहुत, मेरे यहाँ पे व्यू तो बहुत अच्छा है, सो हम फोटोज भी क्लिक की है अभी हमने, इंजॉयमेंट तो काफ़ी हो सकता है यहाँ पे। हाँ, और यहाँ पे ब्रिस्टा भी है, हम वो भी ट्राई करेंगे। सबसे पहले सबवे पे हैं और उसके बाद ब्रिस्टा जाएंगे। यहाँ पे शिकागो पिज़्ज़ा भी है, बट वो मुझे वी डोंट लाइक दैट, या उससे अच्छा डोमिनोज है। क्यों बेइज्जती करनी जा रही है सबकी? बेइज्जती नहीं है, ये तो रैंकिंग कर रहे हैं ना, अपने अपने व्यूज़ होते हैं सभी चीज़ों को लेकर, सो उसी के अकॉर्डिंग हम बस व्यूज़ बता रहे हैं अपने, कौन सा बेस्ट है कौन सा नहीं है, ऑल दैट। शिकागो पिज़्ज़ा का ना इतना सा पीस, जस्ट इतना सा पीस ना 100 रुपीज़ का, लाइक व्हाई ना, कुछ खास भी नहीं दिखता हमें, इतना सा पिज़्ज़ा इतने रेट, पता नहीं क्या मतलब हवा में चढ़ रहे हैं, लाइक उससे ना लाइक 99 का पूरा पिज़्ज़ा आ जाता है, जितने में उनका एक पीस, लाइक सीरियसली, और उतना ही और
बेकार है बट सबवे चलो बस इतना भी नहीं बोलना चाहिए किस चीज़ के बारे में ना नहीं मैं आगे बता रही बताने दो मुझे हाँ सो अभी तक मैकडी और बर्गर किंग के रेट हमने दिए हैं जिसमें से बर्गर किंग जीत रहा है अगर सबवे अच्छा होगा या ब्रिस्टा अच्छा होगा तो अभी उनके चांस है की तो इतनी खास होती नहीं है बट फिर भी यहाँ पे हम ट्राई करने आए हैं सो दैट कि अच्छा एक्सपीरियंस भी बनाए मुझे ब्रिस्टा से थोड़ी सी खुश उम्मीद है एक्सपेक्टेशन तो ब्रिस्टा से ज़्यादा है वेल बर्गर किंग तो अभी भी बेस्ट है हमारी लिस्ट में बाकी देखो एक चीज़ दिखाने जा रही हूँ वेट करते करते मेरी बहन की शक्ल ऐसी हो जाती है इस लड़की में सबर नाम की चीज नहीं है क्या बोला ये कह रही है ये काली भूत नहीं लग रही है सिस्टर लव बहुत सिर्फ फोटो खींचने के मामले में होता है आज इसे मतलब है ना मेरे से नॉट सो ट्रू इसे ये कुर्सी घड़ी घड़ी के लेके आ रही है यहाँ पे एंड द व्यू यहाँ पे बिल्कुल ठीक लाइट आ रही है इधर आ जाओ अरे इधर आ जाओ सो गाइस इसे लग रहा है मैं इसकी फोटो खींच रही हूँ मैं इसकी फोटो नहीं खींच रही हूँ और ना ही खींचने वाली गॉट इट पहले इधर आओ पहले आओ तो बाद हमारा ऑर्डर आखिरकार पहुंच गया सो देखो ये है वेज शमी रैप ये है वेजी टोस्टी ये है सब आलू टिक्की एंड ये है हमारा कोक सो इसको पूरे में हमें लगा है 309 rupees एंड बर्गर किंग और मैकडी से थोड़ा ऊपर बट देखते हैं अब टेस्ट से कितने नंबर देंगे हम इसको तो क्या खाने जा रही हो वेल मैं सबसे पहले ये ट्राई करूँगी तुम भी ट्राई करो काइंड ऑफ समथिंग लाइक पिज्जा बट उससे भी ज़्यादा टेस्टी बट टेस्टी मोर देन पिज्जा फाइव आउट ऑफ फाइव Well, 4 Because it's so cheesy ना चीज़ ज़्यादा है इसमें मुझे चीज़ी चीज़ें अच्छी लगती है 4 काफ़ी सब्ज़ है वेजीज है लोडेड विद वेजेस एंड मेयोनीज चीज़ी Also ब्रेडी बड़ी भूख लगी थी टेस्टी है स्पाइस भी ठीक है ये गार्लिक ब्रेड टाइप है ना इसको कोक के साथ ही ट्राई करो पैटी साहब इसमें ऑलिव्स है क्यूकम्बर भी है इट्स टू सभी इसमें बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स हैं फ्लेवर तो अच्छे डाले हैं बट सब्जियाँ बॉयल है सो उसकी वजह से ये एग्जैक्ट उठ के नहीं आता सब्जियाँ नहीं पसंद नहीं वो बात नहीं है वही बात है
सब्जियों को अच्छे वे में अगर लगाया जाए तो फिर वो अच्छी लगती है। बस इसमें ना टू मच ऑफ वेजीज है, देखो इसमें ऑलिव डाला हुआ है, कैबेज। मुझे ऑलिव बिल्कुल नहीं पसंद, मैं तो सिर्फ 2 पॉइंट्स दे रही हूँ। कैबेज और प्याज तो भर भर के डाल दिया। तुम कितने दोगे इसे? 2। इसे ही तो सबसे अच्छा नहीं लगा था और यही ख़त्म कर गई। I'm too fast at eating, that's why। डाल दो मुझे कप में, डाल दो तुम। क्या मैं भकट्टू है, खा ही हो रहा, खा के नहीं खाती हूँ। इसके साथ ही ब्रेस्ट है, जैसे कि आपको बताया था, अब वहाँ कुछ खाएंगे क्यों है ना। यस, तो चलो चलते हैं ब्रेस्ट। मेरा ओरियो शेक और इसका कोल्ड कॉफी आइसक्रीम। सो खाते हैं, मतलब पीते हैं और व्हाटएवर। सीरियसली एक्स्ट्रा फ्लेवर, इतना सारा खाते खाते सुबह ही ना हो जाए। कॉफ़ी चॉकलेट सब कुछ मिक्स है, क्रीम तो मतलब पूछो ही ना, मतलब ना क्रीमी एंड सॉफ्ट है ना। सी अब भिगा के रही हो, अब गिरेगा मेल्ट होगा ना। ओरियो शेक तो बेस्ट का, ओरियो शेक भी अच्छा है, मैंने टेस्ट किया है, ऑसम। बाइट में से सेटअप से 3 मैं 3 दे। अरेंजमेंट भी इनका मुझे बहुत अच्छा लगा, उसके लिए भी मैं इन्हें 5 में से 5 देने वाली हूँ। इट्स ऑसम यू नो, 3 ब्रिस्टा इज ऑसम, फुल मैक्स ब्रिस्टा। I loved it. I really loved it. Barista, I love you. Or you should. What tasty. Yummy, so 5 में से 5 full marks. देख सकते हैं हम अभी घर जा रहे हैं और लाइक सीरियसली ऐसे लग रहा है जैसे एक हाथ दूसरा हाथ से मिल रहा है, इतनी लाइक शाइन, इतना सुंदर ब्यूटीफुल व्यू है। ये तो क्लाउड्स में ना आज कुदरत का करिश्मा ही हो गया है। सीरियसली आप देख सकते हो लाइक ऐसे लग रहा है अरोरा हो, है ना। या सीरियसली वंडरफुल, या ये आज सच्ची में वेदर बहुत अच्छा है। हम घर पहुंच चुके हैं जैसे कि आप देख सकते हो, थक चुके हैं पूरी तरह से। पहले व्लॉग में हमने आपको दिखाया बर्गर किंग और मैकडी और वर्सेस सबवे और अब वर्सेस ब्रिस्टा। सो कौन जीता? वेल, अगर देखा जाए तो सबवे एंड ब्रिस्टा में से ब्रिस्टा इज गुड, एंड जो मैकडी एंड बर्गर किंग में से तो बर्गर किंग इज़ बेस्ट, यू नो, क्योंकि बर्गर किंग में ना सारी चीज़ें बिल्कुल मेंटेन थी, वहाँ की सिटिंग अरेंजमेंट को भी फुल मार्क्स मिले, खाने पीने को भी काफ़ी अच्छे मार्क्स मिले, बेस्ट स्कोरिंग। सो जिस हिसाब से हमने देखा है तो बर्गर किंग विनर है। या बर्गर किंग, और सेकेंड नंबर पर हम देते हैं ब्रिस्टा को, थर्ड नंबर मैकडी और फोर्थ पे जो हार गया वो है सबवे। सबवे की ना एक ही चीज वो जो थी ना, वो उसने सारे ग्रेस टोस्टी, वेजी टोस्टी, नहीं वेजी टोस्टी अच्छा था, बट जो वो आलू टिक्की था उसमें ना ही तो आलू था, सॉल्ट भी नहीं था, इवन ऑलिव्स भर भर के डाले हुए थे, जैसे वेजी वेजी वेजी। शिकागो पिज्जा का कोई काम नहीं है इस दुनिया में, वैसे ही सबवे का वो आलू टिक्की का कोई काम नहीं है, इसमें आलू था ही नहीं, वो बहुत बोरिंग एंड टेस्टलेस था, यू नो। जो वेजी और शमी रोल था वो बहुत ही डाइवर्स टेस्टी, यू नो। एंड ब्रिस्टा का
ओरियो शेक और कोल्ड कॉफ़ी आइसक्रीम बहुत ही अच्छी थी, फ्लेवर्स अच्छे थे उनके। जो ब्रिस्ट है उसके हमारा 500 आया है एंड ऑब्वियसली वहाँ का सिटिंग अरेंजमेंट वाज ऑसम, जैसे कि आप पिक्चर्स में देखोगे ही। लास्ट में आपको सारी पिक्चर्स दिखाऊंगी मैं सबवे और ब्रिस्टा की। एंड लाइक ब्रिस्टा का बहुत ही अच्छा सीटिंग अरेंजमेंट था, बर्गर किंग का भी अच्छा था एंड सारी जगह का सीटिंग तो बहुत अच्छा था, बट बात तो खाने पीने की है। और खाने पीने की पहली बात, बर्गर किंग के रेट सबसे ज़्यादा कम थे जहाँ भी हम गए, ब्रिस्टा के रेट लाइक 500। दो ही चीज़ें खाई मैंने, सीरियसली वो तो काफ़ी एक्सपेंसिव है, बट ये है कि उनकी चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं, खाने में मज़ा आया एंड इन्जॉय किया ऑब्वियसली। वहाँ में हमने काफ़ी क्लिक्स किया एंड उसकी वजह से हमें सो गाइस बर्गर किंग इज़ बेस्ट, यू नो बर्गर किंग इज़ एक्चुअली अ किंग, बर्गर किंग रॉक्स। या सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए आप किस सीन से ज़्यादा रिलेट किए हो और जो भी आपको अच्छा लगे वो हमें वो कमेंट में बताइए और अपने फ्रेंड्स के साथ जितना हो सकता है उतना शेयर करें। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आपको पता है क्या करना है, मैं दोबारा वही बात बोली जा रही हूँ। तो जब तक के लिए अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। और आज हम करने जा रहे हैं एक और व्लॉग एंड
एंड या अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दोबारा बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको मेरी अगली वीडियोस के नोटिफिकेशन आ जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और अपना फेवरेट पार्ट इस कमेंट बॉक्स में बता देना। एंड या आज का हमारा व्लॉग आपको टाइटल से देख के तो पता लग ही गया होगा। सो आज हम करने जा रहे हैं बेसिकली कि सबसे ज़्यादा डिलीशियस फूड किसका है, बर्गर किंग और मैकडी का, एंड लाइक कौन सा सबसे कम प्राइस में अच्छा है। सो लेट्स गो। सो गाइस अब हम जा रहे हैं बर्गर किंग की तरफ एंड एज यू कैन सी अब हम निकल चुके हैं, हम गाड़ी में बैठे हुए हैं और ये मेरी है बहन जो कि कभी भी सेल्फी लेने से हटती नहीं है। एंड अब हम जा रहे हैं बर्गर किंग की तरफ। अब हम पहुंचने वाले हैं बर्गर किंग, अब हम अवेली हैं अभी, एंड टर्न ओवर के बाद आएगा बर्गर किंग। सो स्टे ट्यून्ड, देखते रहो। जैसे कि आप देख सकते हो हम बर्गर किंग पहुंच चुके हैं, ये हवेली के साथ पड़ता है एंड गाइस अब हम बर्गर किंग पहुंच चुके हैं और ये है उनका गार्डन। सो लाइक बहुत ही सुंदर गार्डन है, बहुत ही लंबा है। बर्गर किंग के अंदर हमारा फोटोशूट हो चुका है खत्म। सो चलो चलते हैं। मील आ चुकी है एंड दिस इज आवर टेस्टी मील, फ्राइज, चीजी फ्राइज एंड लोडेड रैप, आर बर्गर, आइसक्रीम एंड पेप्सी। अब मेरी सिस्टर ने मंगाई है आइसक्रीम एंड मेरी है पेप्सी, लोडेड रैप है मेरा और बर्गर दीदी को पसंद है इसलिए, और ये फ्राइज तो हम दोनों जने ही खाने वाले हैं। सो और या इस पूरे टोटल में हमारे 230 रुपीज़ खर्च हुए हैं और आगे जाके हम देखेंगे कि हमारे मैकडी में इससे ज़्यादा लगते हैं या इससे कम। और टेस्टी का भी है, ये 5 पॉइंट्स देगी और मैं भी 5 पॉइंट्स दूंगी उसको। सो देखते हैं बर्गर किंग जीतता है या मैकडी। बर्गर को तो मैं दूंगी 5 में से 5 पॉइंट्स क्योंकि ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट बर्गर है। ये ज़्यादा हैवी नहीं है, ये बिल्कुल लाइट वेट टाइप ऑफ बर्गर है, मैं ये कभी भी खा ही सकती हूँ। सो मैं इसे तो 5 में से 5 ही देने वाली हूँ, ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट बर्गर है। सो सिस्टर तुम कौन से इसमें से क्या मार्क्स देना चाहोगी? ये बहुत टेस्टी है बट मैं इसको 4 पॉइंट्स दूँगी, स्ट्रिक्ट जज। हम
इस अरेंजमेंट को देती हूँ मैं 5 out of 5। सो गाइस बहुत मज़ा आ गया, पेट फुल हो गया। अभी तो मैगडी भी जाना है वैसे, वो मुझे भूल ही गया। हाँ यार, वहाँ जाके अब हम मिलते हैं आपको। ओके। हम अब आ गए हैं मैकडी, एंड चलो हम आपको अंदर जाके दिखाते हैं सारा मैकडी। मैं पहुंच गई हूँ, ओ सॉरी, अब हम पहुंच चुके हैं मैकडॉनल्ड्स। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है। सो या यहाँ पे ड्राइव थ्रू भी है, और चले से इस पर। आज हम आपको मैकडॉनल्ड्स के ऑनर दिखाने वाले हैं। मेरी सिस्टर से मिले, वो उनको जानते हैं। As you can see, क्लिक क्लिक। मैंने भी उसकी जान पहचान करवा दी है अनमोल से, मेरी सिस से। सो वो भी इसके साथ सेल्फियां लेने वाली है, तो चलो इसकी सेल्फी ले लेते हैं पहले। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है। अब हम आ गए हैं और हम बैठ गए हैं और हमने अपना ऑर्डर कर दिया। बोलना चाहती हो कुछ? फिलहाल तो मैं ऑर्डर का वेट कर रही हूँ, तो क्या बोलूँ? ऑर्डर आएगा तब पता चलेगा क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। नहीं, वेट कर रहे हैं। सो बर्गर किंग के पॉइंट मैंने कहे सेटिंग अरेंजमेंट तो काफ़ी अच्छा, जैसे कि आपने देख ही लिया है बर्गर किंग से ही अच्छा ही है वैसे। सो इसे भी 5 points मिल सकते हैं मेरी तरफ से। वेल मुझे तो अच्छा लगा, सो मेरी तरफ से 5 से 4। इस हमारी मील आ चुकी है, ये है स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, चॉकलेट, ये है मैक पफ पिज़्ज़ा पफ, एंड ये है आलू टिक्की बर्गर। वेल गाइस, ये यहाँ का स्पेशल वेज पिज़्ज़ा है, ये मिनी पिज़्ज़ा है, यहाँ की स्पेशलिटी है। मैंने तो मंगाया है वेज पफ, बट इसको बर्गर से इतना पता नहीं क्या प्यार है, ये कभी सुधरेगी नहीं, ये बर्गर ही खाएगी जिंदगी। वेल गाइस, मुझे बर्गर अच्छा लगता है तो मैं बर्गर खाऊंगी। क्यों खाओगी? कैसे खा, कैसे लिया तुमने ये बर्गर? है बहुत टेस्टी। सो गाइस, इसका बर्गर इतना टेस्टी है, इसमें रियल वेजीज हैं, एंड जो इसकी टिक्की है वो भी काफ़ी टेस्टी है, फ्रेश है ऑब्वियसली। तो इसे मैं दूंगी 5 में से 4, क्योंकि जो बर्गर किंग का बर्गर है वो तो सबसे बेस्ट है ही, पर ये इससे थोड़ा सा लोअर, सो इसे 1 point कम देता है। सो मैं इसको दूंगी 5 out of 5, क्योंकि ये रियली बहुत टेस्टी है और इसमें से पिज़्ज़ा का ही टेस्ट। वेल, ये स्पेशलिटी है यहाँ की, सो ये तो अच्छा होगा ही। इनका रेट है 260, एंड आई थिंक मैं ज़्यादा पॉइंट्स बर्गर किंग को देना पसंद करती हूँ, क्योंकि इनकी रेटिंग ज़्यादा है। हमने इतना कुछ मंगवाया भी नहीं, फिर भी इनकी रेटिंग ज़्यादा है। सो हमने वहाँ पे बहुत कुछ खाया, बट उनकी रेटिंग कम रही, बट इनकी रेटिंग आई है। सो इनका फूड ज़्यादा ऑयली है। सो या ये जलंधर से फगवाड़ा रोड पे दोनों है, आपको जो भी पसंद है आप वहाँ पे जा सकते हो, यहाँ पे ड्राइव थ्रू भी है। सो इन्जॉय गाइस। अब मैं आइसक्रीम खाने वाली हूँ, मेरी चॉको आइसक्रीम। मेरा तो बर्गर ही नहीं ख़त्म हो रहा। ये बर्गर बन जाएगी, बर्गर खा खा के।
की आइसक्रीम तो बहुत टेस्टी है बट बर्गर किंग से ज़्यादा नहीं ना, या बट इनकी भी बहुत टेस्टी है, उनकी भी बहुत टेस्टी थी। उनकी इसने खाई, मैंने तो सिर्फ बाइट ही ली थी, पर दोनों का कंपैरिजन नहीं है, दोनों सेम ही है। सो ज़्यादा इनमें से पॉइंट की हेर फेर करने की ज़रूरत नहीं है, दोनों को सेम पॉइंट्स, 5 में से 5। मैं 4 दे रही हूँ। अब हमारी मील हो गई है कंप्लीट और अब हम जा रहे हैं घर को। अभी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है, साढ़े नौ हो गए आज। तो आज घर के लंच डिनर यहाँ तक कि सवेर का ब्रेकफास्ट कुछ नहीं होने वाला है। सही बात है, दोपहर की रोटी भी शायद ही खाएंगे अब तो। गाइस अब हम जा रहे हैं अपने घर पर उनसे पहले चलो पर उनसे पहले हम आपको रिजल्ट बता देते हैं कौन जीता। बर्गर की बर्गर किंग जीत ही चुका है। मैकडॉनल्ड्स सॉरी वो गुस्सा कर गया बेचारा मैकडॉनल्ड्स। आपकी स्पेशलिटी है, सो आप नाराज मत होइए, आप नाराज मत होइए, हम हैं आपके साथ। बट बर्गर किंग आप बुरे नहीं हो, आप हम बर्गर मैकडॉनल्ड आके बर्गर किंग को जिता रहे हैं। बट जो चीज़ इनकी बेस्ट है वो इनकी ही बेस्ट है ऑब्वियसली। सो हमें उनके थोड़े रेट ज़्यादा जेन्युइन लगे, सो इसीलिए बर्गर किंग विनर है। या बर्गर किंग और मैकडी का, आज हम करने वाले हैं सबवे और बेस्किन्स। फिर 4 को मिला के सबसे बेटर कौन सा है ये डिसाइड करेंगे। सो लेट्स गो। देख सकते हो कितना ट्रैफिक हो गया है, सीरियसली सारे लोग घर से अब बाहर आ चुके हैं, सभी थक गए हैं अब लॉकडाउन से, क्यों है ना। सही बोला। ये है हमारा गुरु नानक मिशन चौक जलंधर का एंड ये भी बहुत ही अच्छा है। सो अभी हम जा रहे हैं सबवे की तरफ जो कि फुगवाड़ा रोड पे है। सो लेट्स गो। सो गाइस ये तो हमारे जलंधर का सबसे बड़ा मैकडॉनल्ड्स है और इस रोड पे बहुत सारे बड़े बड़े होटल्स एंड मॉल्स जैसे कि MBD मॉल सारे हैं या इसी रोड पे है। देख ही सकते हो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है आजकल, सभी अब घर बैठे बैठे तो बोर ही हो चुके हैं, सारे आजकल निकले पड़े हैं और अभी बारिश जस्ट ख़त्म होके ही हटी है। ये है जलंधर फगवाड़ा रोड एंड बहुत ही अच्छी रोड है, कुछ ऐसे है नहीं कि टूटी है एंड यहाँ पे सारे ही बड़े बड़े होटल्स हैं इसी रोड पर। अगर आप जलंधर विजिट करते हैं तो आप यहाँ पे किसी भी होटल में रह सकते हैं, जलंधर में बहुत ही सारे होटल्स हैं। गाइस इस पूरी रोड पे ऐसे फ्लावर्स लगे हुए हैं एंड वेदर भी बहुत ही अच्छा हो रहा है, पूरी बाहर ठंड है एंड जैसे कि मैंने अभी बताया कि बारिश होके हटी है
ये वैसे दिल्ली चंडीगढ़ एंड लुधियाना रोड है, मतलब फुगवाड़ा रोड ही है, यहाँ से जा सकते हो, देख सकते हो आप। देख सकते हो कितनी ब्यूटीफुल रोड है, यहाँ पे कितने सुंदर से छोटे छोटे ट्रीज लगे हुए हैं, एंड ये पूरी कॉलोनीज है इस साइड भी। गाइज आप देख सकते हो ये वॉल्स पे कितने सुंदर सुंदर डिजाइन बने हुए हैं, एंड ये देख सकते हो पूरी बहुत ब्यूटीफुल रोड है ये। गाइज ये है जलंधर का सबसे फेमस चौक, BSF चौक, एंड देख सकते हो कितने ब्यूटीफुल से थ्री ट्राई कलर्स के ये बनाए हुए हैं, एंड सीरियसली बहुत ही अच्छा है। पूरे ही रोड पे लाइक जलंधर में बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, बहुत ज़्यादा ट्रीज है, जैसे कि आप देख सकते हो हर रोड के ऊपर आपको ट्री मिलेंगे। क्वीन सिटी है रामा मंडी चौक जलंधर का, और ये है वज्रद्वार, ये मतलब पूरे कैंट सिटी है, ये सिर्फ लाइक सोल्जर्स के लिए है ये सिटी पूरी, एंड ये हमारा ये रहा सबवे और ब्रिस्टा, हम यहीं पर आने वाले हैं टर्नओवर के बाद। सो गाइस बहुत ही ब्यूटीफुल मौसम है आज, सन भी है, एंड ये हम पहुंच चुके हैं सबवे के थोड़े करीब। सो इस रोड के ऊपर भी बहुत ट्रैफिक है, यह फोर्ड कंपनी। अरे साइड हो जा। और ये हम पहुंच गए, समझो पहुंच ही गए हैं। तो गाइस ये हम पहुंच गए हैं सबवे ब्रिस्टा, सबवे जैसे कि आप देख सकते हो। गाइस हम पहुंच गए सबवे, यहाँ पे सबवे भी है, शिकागो पिज्जा भी है, एंड देख सकते हो यहाँ रोड पे ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है, शायद मेरी आवाज़ सुन रही हो आपको। सो लेट्स गो। और ये मेरी बहन पहुँच चुके हैं, हम पहुंच चुके हैं सबवे, एंड लेट्स कुछ ऑर्डर करना है। क्या ऑर्डर दे दिया है हमने, कॉम्बो पैक मंगवाई है, सो उसी का भी वेट चल रहा है। अभी हम बैठे हुए हैं, बोर हो रहे हैं यहाँ पे बहुत, मेरे यहाँ पे व्यू तो बहुत अच्छा है, सो हम फोटोज भी क्लिक की है अभी हमने, इंजॉयमेंट तो काफ़ी हो सकता है यहाँ पे। और यहाँ पे ब्रिस्टा भी है, हम वो भी ट्राई करेंगे। सबसे पहले सबवे पे हैं और उसके बाद ब्रिस्टा जाएंगे। यहाँ पे शिकागो पिज़्ज़ा भी है, बट वो मुझे वी डोंट लाइक दैट, या उससे अच्छा डोमिनोज है। क्यों बेइज्जती करनी जा रही है सबकी? बेइज्जती नहीं है, ये तो रैंकिंग करते हैं ना, अपने अपने व्यूज़ होते हैं सभी चीज़ों को लेकर, सो उसी के अकॉर्डिंग हम बस व्यूज़ बता रहे हैं अपने, कौन सा बेस्ट है कौन सा नहीं है, ऑल दैट। शिकागो पिज़्ज़ा का ना इतना सा पीस, जस्ट इतना सा पीस ना 100 rupees का, लाइक व्हाई ना, कुछ खास भी नहीं दिखता हमें, इतना सा पिज़्ज़ा इतने रेट, पता नहीं क्या मतलब, हवा में चढ़ रहे हैं उससे ना, लाइक 99 का पूरा पिज़्ज़ा आ जाता है जितने में उनका एक पीस, लाइक सीरियसली, और उतना ही। और
बेकार है बट सबवे चलो बस बस इतना भी नहीं बोलना चाहिए किस चीज़ के बारे में ना नहीं मैं आगे बता रही बताने दो मुझे हाँ सो अभी तक मैकडी और बर्गर किंग के रेट हमने दिए हैं जिसमें से बर्गर किंग जीत रहा है अगर सबवे अच्छा होगा या ब्रिस्टा अच्छा होगा तो अभी उनके चांस है की तो इतनी खास होती नहीं है बट फिर भी यहाँ पे हम ट्राई करने आए हैं सो दैट कि अच्छा एक्सपीरियंस भी बनाए मुझे ब्रिस्टा से थोड़ी सी खुद उम्मीद है एक्सपेक्टेशन तो ब्रिस्टा से ज़्यादा है वेल बर्गर किंग तो अभी भी बेस्ट है हमारी लिस्ट में बाकी देखो एक चीज़ दिखाने जा रही हूँ वेट करते करते मेरी बहन की शक्ल ऐसी हो जाती है लड़की में सबर नाम की चीज नहीं है क्या बोला ये कह रही है ये काली भूत नहीं लग रही है सिस्टर लव बहुत सिर्फ फोटो खींचने के मामले में होता है आज इसे मतलब है ना मेरे से नॉट सो ट्रू इसे ये कुर्सी खरीद खरीद के लेके आ रही है यहाँ पे एंड द व्यू यहाँ पे बिल्कुल ठीक लाइट आ रही है इधर आ जाओ अरे इधर आ जाओ सो गाइस इसे लग रहा है मैं इसकी फोटो खींच रही हूँ मैं इसकी फोटो नहीं खींच रही हूँ और ना ही खींचने वाली पहले इधर आओ पहले आओ मुद्दतों बाद हमारा ऑर्डर आखिरकार पहुंच गया सो देखो ये है वेज शमी रैप ये है वेजी टोस्टी ये है सब आलू टिक्की एंड ये है हमारा कोक सो इसको पूरे में हमें लगा है 309 rupees एंड बर्गर किंग और मैकडी से थोड़ा ऊपर बट देखते हैं अब टेस्ट से कितने नंबर देंगे हम इसको तो क्या खाने जा रही हो वेल मैं सबसे पहले ये ट्राई करूँगी तुम भी ट्राई करो काइंड ऑफ समथिंग लाइक पिज़्ज़ा बट उससे भी ज़्यादा टेस्टी बट टेस्टी मोर देन पिज़्ज़ा फाइव आउट ऑफ फाइव वेल फोर बिकॉज़ इट्स सो चीज़ी ना चीज़ ज़्यादा है इसमें मुझे चीज़ी चीज़ें अच्छी लगती है फोर काफ़ी सब्ज़ है वेजीज है लोडेड विद वेजेस एंड म्योसिस चीज़ी ऑल्सो ब्रेडी बड़ी भूख लगी टेस्टी है स्पाइस भी ठीक है ये गार्लिक ब्रेड टाइप है गार्लिक ब्रेड इसको कोक के साथ ही ट्राई करो पैटी सब इसमें ऑलिव्स है क्यूकम्बर भी है इट्स टू सभी इसमें बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स है वेल फ्लेवर तो अच्छे डाले हैं बट सब्जियाँ बॉयल है सो उसकी वजह से ये एग्जैक्ट उठ के नहीं इसे सब्जियाँ नहीं पसंद नहीं वो बात नहीं है वही बात है
सब्जियों को अच्छे वे में अगर लगाया जाए तो फिर वो अच्छी लगती है। बस इसमें ना टू मच ऑफ वेजीज है। देखो इसमें ऑलिव डाला हुआ है, कैबेज। मुझे ऑलिव बिल्कुल नहीं पसंद, मैं तो सिर्फ 2 पॉइंट्स दे रही हूँ। कैबेज और प्याज तो भर के डाल दिया। तुम कितने दोगे इसे? 2। इसे ही तो सबसे अच्छा नहीं लगा था और यही ख़त्म कर गई। I'm too fast at eating. That's why. डाल दो मुझे कप में, डाल दो तुम। क्या मैं पकड़ते हुए खा ही हो रहा, काफ़ी भी खाती हूँ। के साथ ही ब्रेस्ट है, जैसे कि आपको बताया था, अब वहाँ कुछ खाएंगे क्यों, है ना? यस, तो चलो चलते हैं ब्रेस्ट। वाउवी, मेरा ओरियो शेक और इसका कोल्ड कॉफी आइसक्रीम। सो खाते हैं, मतलब पीते हैं और व्हाटएवर। घर जा रहे हैं और लाइक सीरियसली ऐसे लग रहा है जैसे एक हाथ दूसरा हाथ से मिल रहा है। इतनी लाइक शाइन, इतना सुंदर ब्यूटीफुल व्यू है। क्लाउड्स में ना आज कुदरत का करिश्मा ही हो गया है। सीरियसली आप देख सकते हो, लाइक ऐसे लग रहा है अरोरा हो, है ना? या सीरियसली वंडरफुल। या ये आज सच्ची में वेदर बहुत अच्छा है। हम घर पहुंच चुके हैं जैसे कि आप देख सकते हो, थक चुके हैं पूरी तरह से। पहले व्लॉग में हमने आपको दिखाया बर्गर किंग और मैकडी और वर्सेस सबवे और अब वर्सेस ब्रिस्टन। सो कौन जीता? वेल, अगर देखा जाए तो सबवे एंड बरिस्टा में से बरिस्टा इज गुड, एंड जो मैकडी एंड बर्गर किंग में से तो बर्गर किंग इज़ बेस्ट, यू नो, क्योंकि बर्गर किंग में ना सारी चीज़ें बिल्कुल मेंटेन थी। वहाँ की सिटिंग अरेंजमेंट को भी फुल मार्क्स मिले, खाने पीने को भी काफ़ी अच्छे मार्क्स मिले, बेस्ट स्कोरिंग। सो जिस हिसाब से हमने देखा है तो बर्गर किंग विनर है। या बर्गर किंग। और सेकेंड नंबर पर हम देते हैं बरिस्टा को, थर्ड नंबर मैकडी और फोर्थ पे जो हार गया वो है सबवे। सबवे की ना एक ही चीज वो जो थी ना, वो उसने सारे ग्रेस टोस्टी वेजी टोस्टी या नहीं वेजी टोस्टी अच्छा था, बट जो वो आलू टिक्की था उसमें ना ही तो आलू था, सॉल्ट भी नहीं था, इवन ऑलिव्स भर भर के डाले हुए थे। वेजी 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 शिकागो पिज्जा का कोई काम नहीं है इस दुनिया में, वैसी सबवे का वो आलू टिक्की का कोई काम नहीं है इसमें, आलू था ही नहीं। वो बहुत बोरिंग एंड टेस्टलेस था, यू नो। जो वेजी और शमी रोल था वो बहुत ही टेस्टी, यू नो। एंड ब्रिस्टा का ओरियो शेक और कोल्ड कॉफी आइसक्रीम बहुत ही अच्छी थी, फ्लेवर्स अच्छे थे उनके। जो ब्रिस्टा है उसके हमारा 500 आया है। एंड ऑब्वियसली वहाँ का सिटिंग अरेंजमेंट वाज ऑसम, जैसे कि आप पिक्चर्स में देखोगे ही।
लास्ट में आपको सारी पिक्चर्स दिखाऊंगी मैं सबवे और ब्रिस्टा की, एंड लाइक का बहुत ही अच्छा सीटिंग अरेंजमेंट था, बर्गर किंग का भी अच्छा था, एंड सारी जगह का सीटिंग तो बहुत अच्छा था, बट बात तो खाने पीने की है। और खाने पीने की पहले बात, बर्गर किंग के रेट सबसे ज़्यादा कम थे जहाँ भी हम गए, ब्रिस्टा के रेट लाइक 500, दो ही चीज़ें खाई मैंने। सीरियसली वो तो काफ़ी एक्सपेंसिव है, बट ये है कि उनकी चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं, खाने में मज़ा आया एंड इन्जॉय किया ऑब्वियसली, वहाँ में हमने काफ़ी क्लिक्स किया एंड उसकी वजह से हमें सो गाइस बर्गर किंग इज़ बेस्ट, यू नो बर्गर किंग इज़ एक्चुअली अ किंग, बर्गर किंग रॉक्स। या सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट में बताइए आप किस सीन से ज़्यादा रिलेट किए हो, और जो भी आपको अच्छा लगे वो हमें वो कमेंट में बताइए, और अपने फ्रेंड्स के साथ जितना हो सकता है उतना शेयर करें। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आपको पता है क्या करना है, मैं दोबारा वही बात बोली जा रही हूँ, तो जब तक के लिए हाँ अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।